अब गाइस आज वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर, जो कि मैं अपनी तरफ से दूंगा, और लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं नंबर वन क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बेसिक सिमिलर थे, जो कि हर लास्ट को क्यू एन ए में देता आ रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या नाम है, मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये वो ब्ला 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 ब्ला। सो मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि यूनिक क्वेश्चन ढूंढूँ आप। सो नंबर वन, व्हाट्स योर फेवरेट फ्लिप? सिंपल सी बात है, जीजस स्टॉल बैक फ्लिप, राइट। एंड फ्लिप कितने टाइम से कर रहे हो? ये वीडियो मैंने लास्ट वीडियो, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप चेकआउट कर लीजिए, आप पता चल जाएगा मैं कब से कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, फ्लिप जर्नी स्टार्ट करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? इसके ऊपर मैं एक डेडिकेशन वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले, एक शॉर्ट में हल्का सा बताता हूँ कि मैं गार्डन जहाँ मैं क्लास लेता हूँ फ्लिप्स की, वहाँ पे मैं गया था बहुत पहले। मैं लोगों को देखा, मोटिवेट हुआ कि भाई मुझे भी सिखा दो, फिर धीरे धीरे करके लोगों को देखते देखते इंस्पिरेशन यहाँ से मिलना स्टार्ट हुई, और देखा है तो वहाँ से यहाँ तक करने में एक जर्नी जो हुई है, और 100%। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम नॉट एबल टू सेंड माई चेस्ट अप इन बैकफ्लिप, बिकॉज जब भी आप बैकफ्लिप करते हो, नॉर्मली मैंने फ्लिप जो देखी है नॉर्मल लोगों की, आपका चेस्ट डायरेक्ट बैक जाता है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जब आप स्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से खड़े हो तो आपको ट्राई करना, पहले ऊपर जाना है, उसके बाद टकर के फ्लिप करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रैक्टिस करते समय इंजरी से कैसे बचे? एग्जैक्टली ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप जब भी प्रैक्टिस करते हो या फ्लिप स्टार्ट करते हो तो आप ट्राई करिए कि सबसे पहले एक्सरसाइज करिए प्रॉपर तरीके से। अगर आपको प्रॉपर नहीं पता है तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगा, आप चेकआउट करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, उसके बाद ही फ्लिप्स अपनी प्रॉपर स्टार्ट करिए। ये तीसरा क्वेश्चन है सर, आपके जीएफ है कि नहीं, गर्लफ्रेंड होती क्या साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई आप वीडियो शूट करते समय कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, और यूट्यूब एडिटिंग किस ऐप से करते हो? वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो मेरे पास आईफोन 11 है, जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ, और जिससे मैं रीड कर रहा हूँ ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा लोगो है वीवो का, जिससे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ प्रॉपर तरीके से, और यहाँ से वहाँ सेंड करता हूँ या वहाँ से यहाँ सेंड करता हूँ। और एडिटिंग की बात है कि VN है, प्रीमियर प्रो है, इनशॉट है, ऑलमोस्ट कुछ पैड ऐप्स है जिससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपका फेवरेट फ्लिपर कौन है। वैसे बता दूँ तो मेरा ऐसे एग्जैक्टली नहीं है कि कौन हो सकता है कौन नहीं, वैसे देखा जाए मेरी तरफ से मेरा फेवरेट फ्लिपर हर कोई है, कि हम जो करते हैं ना वो चीज़ें हर कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरा फेवरेट फ्लिपर हर कोई है सभी। अगर आप कर रहे हो बैक फ्लिप तो मेरे फेवरेट फ्लिपर आप हो। एंड द नेक्स्ट माई फेवरेट क्वेश्चन, कि स्टैंडिंग 360 बैक फुल क्यों नहीं करते हो? आंसर जरूर देना। और ये बात मैं अगर बता दूँ, 2016 जब से मैंने YouTube स्टार्ट करा, आप इतनी सारे लगभग 850 ऑलमोस्ट 900 वीडियो होने वाली मेरे YouTube पर मुझे, बट एक भी प्रॉपर तरीके से क्लियर बैक फुल आपको नहीं दिखेगा। और उसका रीज़न ये है कि जब भी मैंने स्टार्टिंग में सीखा था ना, उसके बाद इतना क्लीन हो गया था कि हमेशा 720 घूमता था, 360 मेरा अभी भी नहीं। अगर आप नॉर्मल मेरे वीडियोज़ देखोगे एक दो साल में, तो यहाँ पे सिंगल 360 ट्विस्ट मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा घूमता था, दो घूमता है, सिंगल कभी नहीं घूमता है। सिर्फ स्कूटर के साथ घूम रहा हूँ ना, बड़ी मुश्किल से घूम रहा हूँ, नहीं तो उसमें दो घूमता। सिल्वर प्ले बटन कब आएगा? ओके, सो वो जल्दी से जल्दी आ गया, आज यूट्यूब का मैसेज आ चुका था मेरे पास कि ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक में मेरे पास आ जाएगा, बट हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ नया यूनिक कॉन्टेंट बनाए इसके लिए सिल्वर प्ले बटन के साथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी शादी हो गई? चार बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। भाई आपको अपने करियर फ्लिपिंग में बनाए है या पढ़ाई लिखाई में जॉब करोगे? अगर देखा जाए तो फुल टाइम यूट्यूब करने वाला हूँ, और जिस तरीके से सिल्वर आए गोल्ड में जाएंगे, डायमंड भी जाएंगे, बस आप सबका सपोर्ट रहेगा इस तरह से। जब हम कोई नया फ्लिप सीखते हैं उसमें फेल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि फ्लिप करना छोड़ दे, इसके ऊपर एक मोटिवेशन वीडियो बनाओ। तो इसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिख कर रखी है, प्रॉपर तरीके से शूट करना है, और मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना जल्दी आके प्रॉपर शूट करूँगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फ्रेंड ने पूछा हमसे, पिक माई क्वेश्चन, आप इतने अजीब क्यों हो? और इसके आंसर मैं स्ट्रांगली बताना चाहता हूँ, अगर तुम सिंपल रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको अजीब होना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाओगे। एक सिंपल इंसान आगे वैसे नहीं हो पाएगा अगर एक अजीब इंसान सामने होगा तो। अगर दिमाग हो तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यूट्यूब छोड़कर कोई जॉब करते हो? नहीं भाई, मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ, और जितना एक जॉब में नॉर्मल अर्निंग होती है उससे डबल में यूट्यूब कमा लेता हूँ, तो मैं क्यों करूँ?
आपका फर्स्ट यूट्यूब वायरल कब हुआ था वीडियो, मतलब अगर देखा जाए तो पूरा टाइम में जब गार्डन में स्टंट्स करता था, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता, मेरा कुछ चेंज नहीं था। जिस दिन मैं पब्लिक में निकला फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर यूट्यूब के लिए, और उसी टाइम से वो पहला वीडियो मेरा वायरल होता, तो मैं समझ गया कि भैया सिर्फ स्टंट करके वीडियो में अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ यूनिक और नया करना पड़ेगा। तब मैं 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर से 100K तक आया हूँ, आप सबको, आप सभी के सपोर्ट से। भाई आपकी बैकफ्लिप में हाइट का राज क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और भी है, आप जिम स्टार्ट कब करोगे, जिम का तो पता नहीं, देखेंगे फिर कभी। और आपकी सक्सेस का राज क्या है, आप सभी के सामने हूँ, मैं एक खुली किताब हूँ, आप सबको पता है और आप सबके सामने है। एंड ये वाला क्वेश्चन सबके माइंड में स्टार्टिंग से आ रहा है कि आप बाइक क्यों नहीं चलाते हो, ओनली साइकिल। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं साइकिल से ही ट्रैवल करूँ, क्योंकि जहाँ से लोकेशन पे आता हूँ, कहीं भी आता हूँ ना, तो साइकिल में मज़ा अलग आता है, तो साइकिल ही ठीक है। क्या आप कभी बैटल करोगे? हाँ बिल्कुल बैटल करेंगे, जब मौका मिलेगा तब करेंगे। एंड द नेक्स्ट, आप किसी सेलिब्रिटी से मिले हो? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिल चुका हूँ, बट उस टाइम पर मेरे पास कैमरा नहीं हुआ करता था। एग्जैक्टली जब मेरे पास एक फ़ोटो प्रॉपर पड़ा है, जब मैं टाइगर श्रॉफ के साथ मिला था, साथ में डांस करा था, और ये एक मुन्ना माइकल जब मूवी आई थी उस टाइम की बात है, जब मैं बस उनके पीछे ही खड़े होकर डांस करा था, आप फोटो में देख सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो भी थे उस टाइम पर, डांस नहीं करा उन लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं। दिन में कितनी बार स्टंट करते हो? मंथली इनकम क्या है? आपकी जेब क्या है? कम्प्लीटली बता दिया जाए तो दिन में मैं लगभग पूरे टाइम में देखा जाए तो 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ प्रॉपर तरीके से, हार्ड नहीं तो कंटिन्यू प्रैक्टिस होती रहती है, इनकम मैं बता सकता नहीं है। फ्लिप में इंजरी हो जाए तो क्या करे, फ्लिप छोड़ दे? तो इसके लिए मैं सिंपली आपको आंसर देना चाहता हूँ कि मान लो अगर आप खाना खा रहे हो उसके बाद आपका पेट दुखे, तो उसके बाद आप खाना छोड़ दोगे या नहीं, इसलिए आप समझ जाओ, कभी नहीं। ब्रो स्टंट सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखे? सबसे चिंदी चीज़ें हाथ वाली कार्टविल, वो आपको सीखना पड़ेगा। सो गाइस, तो ये था मेरा आज Q&A क्वेश्चन। यहाँ पे अपनी तरफ से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने अटेम्प्ट करा आपको देने का, सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, 100K तक जाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, और सिल्वर प्ले बटन आ रहा है तो उसके ऊपर प्रॉपर अभी बताऊँगा। बाय बाय, ये देखो कैमरा मैन का।